औरत को पर्दा चेहरे का करना चाहिए, नहीं पांव का करना चाहिए। चेहरे की क्या जरूरत है पर्दे की, वो तो ओपन एयर थिएटर होता कि हर कोई देखे फायदा उठाए। अल्लाह के बंदे, पर्दा होता ही चेहरे का है। पर्दा इसलिए है कि आदमी फितने से बचे, और फितना आंखों में है, चेहरे में है। और अल्लाह ने हुक्म दिया कि युद्ध नीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन्न, और पहला पर्दा यह है कि औरत घर से भी ना निकले, वकर नफी बुयूतकुन। दूसरा पर्दा यह है कि अगर कोई बाहर से खड़े होकर पुकारे, इज़ा सअलतुमूहुन्न फसअलूहुन्न मिन वराए हिजाब, पर्दे के पीछे खड़ा होकर बात करें। और तीसरा पर्दा यह भी है कि अगर कोई गैर मर्द बात करे तो उसे नर्म लहजे में बात न करें, सख्ती से जवाब दें। और चौथा पर्दा यह भी है कि घर में खावंद या भाई या बाप नहीं है तो किसी को आने की इजाज़त न दे। ये सारे पर्दे के अहकाम हैं। अभी तक 1400 साल गुजर गए हैं, अभी हद तक आपको ये पता नहीं लगा कि पर्दा चेहरे का होता है या पाँव का होता है। एक बंदा अपनी बीवी को बहुत मारता है, दो तीन कट्ठे मिल के तुम भी उसकी ठुकाई कर दो एक दिन, वजीफे पूछने की क्या जरूरत है? ऐसे बंदे को पकड़ लो गली में और लगाओ ठीक ठाक कि तुम फिर मारोगे, हम फिर तुम्हारी इंशाअल्लाह खिदमत करेंगे, मजाले के फिर मारे। वजीफा डंडे का डंडा होता है, डंडे का वजीफा पढ़ने से हल नहीं होता। फर्ज नमाज के सजदों में अगर हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, दुआ नहीं मांग सकते, तस्बीहात ज़्यादा कहें, सुबहान रब्बी अल-आला 3 दफ़ा के बजाय 7 दफ़ा कह दें, 11 दफ़ा कह दें, 21 दफ़ा कह दें, दुआ नहीं मांग सकते। अल्लाह के बंदे, ये तस्बीह खुद दुआ है।